नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे एमपी पुलिस एसआई या फिर एसएससी और रेलवे के लिए या फिर जो भी आपके वनडे एग्जाम हैं उनके लिए बेलन या सिलेंडर। बिल्कुल सही सुना आपने, बेलन वही बेलन है जिससे आपको मार पड़ती है, सिलेंडर वही है जिस पे आप खाना बनाते हो। गाँव के परिवेश से हो तो लकड़ी, अब तो गाँव में भी सिलेंडर पहुँच गया है ना। तो हम जानते हैं बेलन या सिलेंडर के बारे में। तो भाई बेलन या सिलेंडर में सबसे पहले तो आपको आकृति पता होना चाहिए, बेलन की आकृति या फिर सिलेंडर की आकृति, ये सभी 3D आकृति में आते हैं। तो एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से कि 3D आकृति है ये, कैसी आकृति है? 3D। अब बात करते हैं भाई, तो बेलन में क्या क्या पूछा जाता है या फिर क्या क्या होता है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या हम R मान लेते हैं, ऊंचाई H मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन ये है आकृति, देखो इस तरह से आकृति हम बना देते हैं, बेलन बनता है, बनता है ना, बनता है। बस इसमें ऊंचाई अलग आती है, ये क्षेत्रफल है, एक एक व्रत ये है, यानी दो व्रत होते हैं और इसमें ऊंचाई ऐड हो जाती है, ठीक है, बेलन होता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ पहले समझिए, ठीक है, क्योंकि बंदे समझते नहीं हैं, केवल रट लेते हैं, तो रटना नहीं है मेरे भाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है, तो मेरे भाई इधर देखें, वक्र पृष्ठ यानी केवल ये बीच का जो हिस्सा नहीं होता, केवल इतना होता, कितना, ये देखो, ये इस तरह से मैंने बना दिया, ये इतना होता, ठीक है, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, इतना ये वाली ऊंचाई, ये वाला इतना होता, ठीक है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ फिर से, ठीक है, ये इस तरह से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरह से, ठीक है। तो इसे किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसे देख लेते हैं भाई। इधर देखो, मुझे बताओ ये कितना है, ये पाई आर, ठीक है, यानी अगर पूरा होता इस तरह से गोल बन जाता तो 2πr हो जाता, लेकिन ये तो पाई आर है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh, ठीक है, कितना होता है? 2πrh, ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये यहाँ से इसे मैंने हटा दिया था, इसे हटा दिया था, लेकिन ये बचा है ना, और ये ऊपर का बचा है, तो ये पूरा एक वृत्त बन गया। और वृत्त का आप जानते हैं परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2πr, इसमें एच का और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2πrh, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πrh। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, वृत्तीय पृष्ठ यानी इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये भी पाई आर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर, क्लियर है ना भाई? ये पाई आर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, इसका इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वृत्तीय दोनों क्षेत्रों क्षेत्रफल पूछ लिया तो ये भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर, क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक एक फॉर्मूला महत्वपूर्ण है तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो भाई अब हमें आधा दूरा नहीं चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो ए तो होगा, इसके साथ में ए भी होगा, ए भी होगा, ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 2πr r प्लस h। अब मैं इसको बता देता हूँ आपको कि ये है, देखो ये पाई, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो 2πr स्क्वायर हो गया, 2πr स्क्वायर हो गया, लेकिन साथ में मैंने क्या जोड़ा? ये भी तो जोड़ा है, ये वाला पृष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा? 2πrh होता है। यहाँ से कॉमन ले लिया आपने 2πr, तो यहाँ पे r बच गया, यहाँ पे h बच गया, यानी क्या है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले आपके लिए यहाँ से निकल के आए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या निकल के आए? 2πr r प्लस h, या फिर इसी को कह सकते हैं 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, क्लियर मेरे भाई? अब हम बात कर लेते हैं इसमें बेलन का आयतन, ठीक है, यानी वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा? तो कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसे हम घन में, इसकी इकाई क्या है? घन। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है, और घन की इकाई, आयतन की इकाई घन होती है, क्लियर है? यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बेलन का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, 2πr r प्लस एच, या फिर 2πrh, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपके लिए पूछे जाते हैं,
आई होप आपको समझ में आ गया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πRh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πR, R प्लस H। बेलन का आयतन πR स्क्वायर H। क्लियर है? चलिए, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी आते हैं आप बना सकते हैं। लगे हाथों हम यहाँ पर देख लेते हैं खोखला बेलन, ठीक है, यानी हॉलो सिलेंडर क्या है। तो हॉलो सिलेंडर कुछ नहीं है, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर हमने रख दिया तो उसे हॉलो सिलेंडर यानी खोखला सिलेंडर कहेंगे, यानी खोखला बेलन कहेंगे। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो 2π, ये देखो R प्लस R रख दिया यहाँ पर प्लस H, यानी पहले हमने देखा था 2πRh, लेकिन R की जगह क्या रख दिया? इस R की जगह रख दिया R प्लस R, तो क्या हो जाएगा? 2π R प्लस R इंटू H। ठीक है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो 2π R की जगह R जहाँ पर था वहाँ पर क्या रख दिया? 2R प्लस R, और H प्लस R माइनस R। खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? तो R की जगह रख दिया हमने R स्क्वायर माइनस R। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम बात करते हैं खोखले पाइप के निर्माण की में लगी धातु का आयतन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी वही हो जाएगा, पाई R की जगह R स्क्वायर माइनस R इंटू H। तो क्लियर है यहाँ तक? बेलन और खोखला बेलन हमने देख लिया। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, प्रत्येक दिन 2 क्लास फॉर्मूले बेस आती रहेंगी, साथ में लाइव क्लास आएंगी, तो देखें, इन्जॉय करें। जय हिंद, जय भारत।